नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूँ। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, ये आपका यूट्यूब चैनल एक एजुकेशनल चैनल है जिस पर डेली आप लोगों को करंट अफेयर की क्लास हमारे द्वारा यहाँ पर दी जाती है, और आपके ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए भी कुछ क्लासेज इस समय दी जा रही हैं, जो कि खास तौर पे ये टारगेट किया जा रहा है कि जो सी टेट का एग्ज़ाम 31 जनवरी 2021 को आयोजित किया जाना है, उससे पहले पहले हम लोगों का सिलेबस ख़त्म हो जाए। आपके यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए बाल विकास की क्लास, हिंदी की क्लास और हिस्ट्री और ज्योग्राफी की भी क्लासें दी जा रही हैं। साथ ही साथ पॉलिटी की भी क्लास आप लोगों की बहुत जल्दी ही चलने वाली है। तो आपके जो भी सगे संबंधी होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, उन सभी लोगों तक ये बात हमारी आप लोग पहुंचाने का कष्ट करिएगा। साथ ही साथ चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि और भी विद्यार्थियों तक आपका यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पहुंच सके और आपके इस परिवार से अन्य सदस्य भी जुड़ सकें। साथ ही साथ क्लासें कैसी लगती हैं आप लोगों को इस चैनल पे, उसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करिए। और साथ ही साथ साथियों, अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक पे, टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ अपने डाउट को आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो वीडियो के माध्यम से या तो फिर वहीं पे सलूशन मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक साथियों। और तो साथियों, ये हम लोगों की डेली करंट अफेयर की क्लास होती है, तो आइए हम लोग यहाँ पे अपने करंट अफेयर की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। करंट अफेयर साथियों एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसकी एक दिवसीय परीक्षाओं में। जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, यूपी पुलिस हो, UPSI हो, यूपी लेखपाल हो, या तो फिर अधीनस्थ की कोई और भी परीक्षाएं होती हैं, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स में 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, जिनकी भी सिलेक्शन में एक अहम भूमिका मानी जाती है। तो ये भी बहुत ही ज़रूरी है, जैसे सारे सब्जेक्ट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं, उसी तरीके से करंट अफेयर का पार्ट भी आप लोगों के लिए एक अहम भूमिका निभाता है। तो साथियों, इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से पढ़ा करिए। साथ ही साथ मेन मेन पॉइंट जो होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उन मेन पॉइंट को आप लोग अपने नोटबुक में नोटिस किया करिए, जिससे कि आप लोगों को रिविज़न करने में हेल्प मिले, कि जब एग्ज़ाम आए तो उससे कुछ दिन पहले आप लोग नोट्स को अपने पलट के जब देखेंगे सरसरी नज़र से, तो चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, नहीं तो एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो सिर्फ और सिर्फ डाउट क्रिएट होगा बस। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, करंट अफेयर की जानकारी हम लोग लेते हैं। पहली जानकारी साथियों कि हमारे भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, ये देश में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए जन आंदोलन का आह्वान किया। किसका? जन आंदोलन का आह्वान किया किसके लिए? डिजिटल साक्षरता के लिए। क्योंकि इस समय हम देश, हमारा भारत देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व COVID-19 जैसी एपिडेमिक अर्थात महामारी से जूझ रहा है। भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, श्री एम वेंकैया नायडू जी डिजिटल साक्षरता के लिए, किसके लिए? डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए जन आंदोलन का आह्वान किया।
जन आंदोलन का आह्वान किया। साथियों, हमारे भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू जी, ये डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने की पहल कर रहे हैं। किसकी? डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने की पहल कर रहे हैं। साथियों, एम वेंकैया नायडू जी ने कहा कि हम लोगों को कोविड 19 का दौर जो इस समय चल रहा है, इसको देखते हुए हम लोगों को डिजिटल साक्षरता की ओर प्रेरित होना चाहिए, साथ ही साथ उसे भी अपने जीवन में ढालने का काम किया जाना चाहिए कि हम लोग जब तक ये कोविड 19 महामारी चल रही है, तब तक हम लोगों को डिजिटल साक्षरता की ओर अग्रसर होना चाहिए साथियों, और इसे भी अपने हैबिट में लाना चाहिए। साथियों, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी ने कल, कब अर्थात 27 नवंबर 2020 को डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए जन आंदोलन का आह्वान किया। उन्होंने सभी तकनीकी और शैक्षणिक संस्थाओं से इसमें अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह भी किया। ये हमारे उपराष्ट्रपति जो हैं भारत के, श्री एम वेंकैया नायडू जी, ये जो भी तकनीकी और शैक्षणिक संस्थान हैं, इन सभी संस्थानों को डिजिटल साक्षरता के लिए अग्रणी भूमिका निभाने के लिए आग्रह भी किया। साथ ही साथ साथियों, आदि शंकराचार्य की जन्मस्थली कलाड़ी में आदि शंकरा डिजिटल अकादमी लॉन्च करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा, क्या लॉन्च किया? आदि शंकरा डिजिटल अकादमी लॉन्च किया इन्होंने। साथ ही साथ आदि शंकरा डिजिटल अकादमी को लॉन्च करते हुए इन्होंने कहा कि वर्तमान ज्ञान समाज में सूचना मुख्य वस्तु है जो भी त्वरित पहुंच रखता है। मतलब जो सूचना होता है, यह एक मुख्य वस्तु है जो कि त्वरित अर्थात तुरंत पहुंच रखता है। साथ ही साथ उसे सूचना का लाभ मिलता है जिन्होंने डिजिटलीकरण को इस तरह की जानकारी तक पहुंच का माध्यम कहा है। वह ज्ञान समाज और सूचना का मुख्य वस्तु है। साथ ही साथ कोविड 19 महामारी के कारण होने वाली बाधाओं की चर्चा करते हुए श्री वेंकैया नायडू जी ने कहा कि महामारी ने स्कूलों को बाध्य रूप से बंद किया है, जिससे लाखों छात्राओं से बाहर हो गए हैं। और विश्व समुदाय ऑनलाइन शिक्षा को अपनाकर इस चुनौती को दूर करने की कोशिश कर रहा है। इनके कहने का मतलब यह है कि जब से ये कोविड 19 महामारी चली है, तब से लाखों छात्राएं जो हैं, जो कि स्कूल पहुंचने में असमर्थ हैं, स्कूलों को, कॉलेजों को, सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण छात्राओं की शिक्षा प्रभावित हो रही है या प्रभावित होने से महसूस कर रहे हैं। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि जो कि लाखों छात्र छात्राएं कक्षा से बाहर हैं और विश्व समुदाय ऑनलाइन शिक्षा को अपनाकर इस चुनौती को दूर करने की कोशिश, यह जो चुनौती है कि लाखों छात्र छात्राओं को की शिक्षा प्रभावित हो रही है, वो स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस चुनौती को ऑनलाइन माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा को अपनाया जा रहा है, जिसके जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो इस चुनौती को दूर करने की कोशिश भी की जा रही है। साथियों, इस दौरान इन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी हमें शिक्षण और सिखाने की पद्धति को बदलने का अवसर प्रदान करती है। प्रौद्योगिकी जो होती है, यह हमें शिक्षण और सीखने की पद्धति भी प्रदान करती है, और तेजी से बदली प्रौद्योगिकी के अनुसार नए युग की मांग के अनुरूप शिक्षा मॉडल को लगातार अद्यतन और विकसित करने की क्या है? आवश्यकता है। ठीक साथियों, क्या है? आवश्यकता है। तो साथियों, हम लोग एक चीज़ और जानेंगे कि ये बात इन्होंने कहा, साथ ही साथ ये बात कहते हुए, आदि शंकराचार्य की जो जन्मस्थली है कलाड़ी,
आदि शंकराचार्य की जन्मस्थली आदि शंकराचार्य की जन्मस्थली आदि शंकराचार्य की जन्मस्थली कलाड़ी कलाड़ी में आदि शंकरा डिजिटल अकादमी आदि शंकरा डिजिटल अकादमी लॉन्च किया। क्या किया? लॉन्च किया आदि शंकरा डिजिटल अकादमी लॉन्च किया। ठीक, कौन? हमारे भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी ने लॉन्च किया। और उस दौरान इन्होंने कहा कि वर्तमान समाज में सूचना मुख्य वस्तु है। ठीक साथियों, यह जो लॉन्च किए कौन? आदि शंकरा डिजिटल अकादमी इन्होंने जो लॉन्च किया, यह साथियों वर्चुअल माध्यम से लॉन्च किया। किस माध्यम से? वर्चुअल माध्यम से इन्होंने। साथियों, नायडू ने कहा कि मानव सभ्यता का विकास नवाचार और जीवन जीने की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए उपकरणों के उपयोग और उपयोग की गाथा रही है। श्री नायडू ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन के तरीके में बहुत बदलाव किया है। डिजिटलाइजेशन वर्तमान जीवन का क्रम है। ई शिक्षा, ई हेल्थ, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस आदि अब वर्चुअल यथार्थ हैं। मतलब जो हमारी ई शिक्षा की जा रही है, साथ ही साथ ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, ये सभी जो हो रहे हैं, ये सब हमारे अब वर्चुअल यथार्थ साबित हो रहे हैं। अर्थात वर्चुअल माध्यम से ही इन्हें हम लोग स्थापित करने में सक्षम हो पा रहे हैं। ठीक साथियों, ये जो साथियों है इसमें शामिल होने की बात है। इस अवसर पर श्री के आनंद मैनेजिंग ट्रस्टी हैं कौन? आदि शंकरा के जो जन्मस्थली है वहाँ के, साथ ही साथ आदि शंकरा ट्रस्ट श्री सी आर गौरी शंकर CEO और प्रशासक श्रृंगेर मठ श्रीमती चित्रा निदेशक ई ड्रोन लर्निंग और अन्य लोग भी इस दौरान उपस्थित रहे। ठीक साथियों, अगली बात करें साथियों, तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वैक्सीन के विकास और विनिर्माण की प्रक्रिया के लिए वैक्सीन केंद्र का कल भ्रमण करेंगे। 3 शहरों में स्थित वैक्सीन केंद्रों का भ्रमण करेंगे। अगली जानकारी है, प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री मोदी जी 3 शहरों में स्थित वैक्सीन केंद्रों का भ्रमण करेंगे। साथियों, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वैक्सीन का विकास और विनिर्माण किस प्रकार से किया जा रहा है, इसकी प्रक्रिया के व्यक्तिगत रूप से समीक्षा के लिए 3 शहरों की यात्रा पर जाएंगे। साथियों, यह जो 3 शहर हैं, ये शहर हैं अहमदा के जायडस बायोटेक पार्क, अहमदाबाद के जायडस बायोटेक पार्क अहमदा के जायडस बायोटेक पार्क साथ ही साथ जो दूसरा शहर है साथियों, यह है हैदराबाद में भारत बायोटेक, हैदराबाद में बाय
हैदराबाद में भारत बायोटेक, भारत बायोटेक, साथ ही साथ जो तीसरा शहर है साथियों, यह पुणे में, कहाँ? पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कौन? सीरम इंस्टीट्यूट, मिस्टेक हो जाए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वैक्सीन के विकास और विनिर्माण की प्रक्रिया को व्यक्तिगत रूप से उसकी समीक्षा के लिए 3 शहरों की यात्रा पर निकलेंगे। वो 3 शहर कौन कौन से होंगे? पहला होगा अहमदाबाद का जायडस बायोटेक पार्क। कौन सा? अहमदाबाद का जायडस बायोटेक पार्क। दूसरा होगा हैदराबाद में स्थित भारत बायोटेक है, और तीसरा होगा साथियों पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कौन सा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इन तीनों साथियों वैक्सीन केंद्रों का भ्रमण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं व्यक्तिगत तौर पे जाके करेंगे। साथ ही साथ साथियों कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत के निर्णायक दौर में प्रवेश करने के साथ प्रधानमंत्री ने इन संयंत्रों में भ्रमण और वैज्ञानिकों के साथ विचार विमर्श से तैयारियों व चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में जानकारियां लेने और अपने नागरिकों के टीकाकरण के भारत के प्रयासों को रोडमैप तैयार करने में सहायता मिलेगी। क्या मिलेगी साथियों? सहायता मिलेगी। ठीक साथियों, अगली बात करें साथियों कि गोवा जनजाति योजना का कार्यान्वयन करेगी कौन? जनजातीय कार्य मंत्रालय की नोडल एजेंसी ट्राइफेड और गोवा सरकार। ट्राइफेड जनजातीय कार्य मंत्रालय की नोडल एजेंसी ट्राइफेड और गोवा सरकार गोवा जनजाति योजना का कार्यान्वयन करेगी। इसे हम लोग नोट करते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय की नोडल एजेंसी, जनजातीय कार्य मंत्रालय की नोडल एजेंसी, जनजातीय कार्य मंत्रालय की नोडल एजेंसी ट्राइफेड और गोवा सरकार ट्राइफेड और गोवा सरकार गोवा जनजातीय योजना का कार्यान्वयन करेगी। गोवा जनजाति गोवा जनजाति योजना का कार्यान्वयन
करेगी। साथियों, जो जनजातीय कार्य मंत्रालय की नोडल एजेंसी है जिसका नाम है क्या, ट्राइफेड, ट्राइफेड है, और साथ ही साथ गोवा सरकार, ये दोनों मिलके गोवा जनजातीय योजना का कार्यान्वयन करेंगी। साथियों, गोवा जनजातीय विकास योजना को अंतिम रूप देने के लिए 26 नवंबर को जनजातीय कार्य मंत्रालय की नोडल एजेंसी ट्राइफेड ने गोवा प्रशासन के साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए एक बैठक आयोजित की। कैसी, 26 नवंबर को एक बैठक आयोजित की गई किसके किसके बीच, जनजातीय कार्य मंत्रालय की जो एक नोडल एजेंसी जिसका नाम ट्राइफेड है, साथ ही साथ गोवा सरकार के बीच एक वर्चुअल माध्यम से बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में साथियों की अध्यक्षता की बात करें तो इस बैठक की अध्यक्षता गोवा के जो मुख्य सचिव हैं परिमाल राय ने की, और इसमें श्री रेड्डी प्रधान सचिव ट्राइबल, श्री सुभाष चंद्रा PCCF, श्री प्रवीण कृष्ण प्रबंध निदेशक ट्राइफेड और ट्राइफेड के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य एजेंडा था साथियों कि गोवा राज्य के लिए 25 वन धन विकास केंद्र, कितने, 25 वन धन विकास केंद्र, साथ ही साथ एक ट्राइबल फूड पार्क, और साथ ही साथ उत्तर और दक्षिण गोवा के दो शोरूम की स्थापना के लिए जनजातीय विकास योजना को अंतिम रूप देना था। किसके लिए, इसके अंतर्गत 25 वनधन विकास केंद्र रखा जाएगा, 25 वनधन विकास केंद्र, 25 वनधन विकास केंद्र, साथ ही साथ अगर बात करें तो एक ट्राइबल फूड पार्क, ट्राइबल फूड पार्क, और तीसरी बात कहें तो उत्तर और दक्षिण गोवा में दो शोरूम की स्थापना, उत्तर और दक्षिण गोवा में दो शोरूम, कितने, दो शोरूम की स्थापना की बात की गई है। साथियों, जनजातीय कार्य मंत्रालय और नोडल एजेंसी ट्राइफेड और गोवा सरकार के बीच गोवा जनजातीय योजना के लिए एक बैठक आयोजित की गई। उस बैठक में 25 वनधन विकास केंद्रों को स्थापित करना, साथ ही साथ एक ट्राइबल फूड पार्क को स्थापित करना, और साथ ही साथ उत्तर और दक्षिण गोवा में दो शोरूम की स्थापना की बात इस बैठक में की गई है। किसके किसके बीच, ट्राइफेड और गोवा सरकार के बीच। साथियों, यह बैठक गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत और श्री प्रवीण कुमार कृष्ण के बीच पूर्व में हुए विचार विमर्श के बाद की गई, जिसमें मुख्यमंत्री ने गोवा जनजाति योजना को अपनी मंजूरी दी थी। साथियों, इसमें जो है 25 वनधन विकास केंद्र की स्थापना, 25 खरीद केंद्र सह गोदामों की स्थापना, दो तृतीयक प्रसंस्करण इकाइयों जो कि मेगा फूड पार्क या जनजातीय उद्यम, और राज्य भर के दो प्रमुख रिटेल आउटलेट की स्थापना इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक साथियों, इन सभी चीज़ों को इसके अंतर्गत क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अब अगर अगली बात करें साथियों, अगली बात करें अगर हम लोग, तो अगली जानकारी के क्रम में आता है सारे करंट अफेयर को आप लोग अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखा करिए, इससे आप लोगों को क्या मिलेगी, रिवीजन में हेल्प मिलेगी। क्या होगी, रिवीजन में हेल्प मिलेगी। कमेंट बॉक्स में साथियों आप लोग बताइए कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइए जितने लोग देख रहे हैं।
अगली जानकारी है साथियों यहाँ कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए किस पहले मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जिसे हम लोग 60 में TCS के नाम से जानते हैं, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के किस पहले मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष का 96 वर्ष की उम्र में क्या हो गया, निधन हो गया। तो साथियों फकीर चंद्र कोहली का टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जिसे TCS के नाम से जानते हैं, TCS किस नाम से, TCS के फकीर चंद्र कोहली फकीर चंद्र कोहली का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ठीक साथियों, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अर्थात TCS के फकीर चंद्र का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये साथियों मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष थे, फकीर चंद्र कोहली जो थे ये क्या थे, मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष थे किसके, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष थे। ठीक साथियों, पहले मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे ये किसके, जो हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है कंसल्टेंसी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। साथियों भारत की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के पितामह कहे जाने वाले इन्हें भारत की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के पितामह कहा जाता है। फकीर चंद्र कोहली को भारत के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के पितामह कहे जाने वाले फकीर चंद्र कोहली अब हमारे बीच नहीं रहे। 96 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। कोहली लीडर्स को तराशने में यकीन रखते थे। कोहली के अंदर एक प्रतिभा थी जो कि लीडर्स को वो तलाशने का काम करते थे। साथ ही साथ भारत की IT इंडस्ट्री के लिए एक पूरी पीढ़ी तैयार करने में टाटा कंसल्टेंसी के पहले मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष जो फकीर चंद्र कोहली थे ये पूरी पीढ़ी तैयार करने में लगे हुए थे। साल 1969 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन JRD टाटा ने कोहली से TCS को शुरू करने के लिए उनसे मदद मांगी थी। बता दें कि उस समय TCS दुनिया की तीसरी कंपनी थी जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता था। यह दुनिया की अर्थात TCS जो थी यह दुनिया की तीसरी ऐसी कंपनी थी जहां कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता था। साथियों बताइए कि DGCA ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को कब तक के लिए बढ़ा दिया, कौन DGCA ने जो हमारी उड़ाने हैं अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट जो है इस पर कब तक के लिए COVID-19 को देखते हुए रोक लगा दिया। DGCA ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को कब तक के लिए बढ़ा दिया। तो साथियों जो हमारी नागरिक उड्डयन महानिदेशक हैं, नागरिक उड्डयन महानिदेशक नागरिक उड्डयन महानिदेशक अर्थात DGCA नागरिक उड्डयन महानिदेशक
ने कोरोना संकट के चलते भारत में कमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर किस पे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को इकतीस दिसंबर 2020 तक के लिए 31 दिसंबर 2020 तक के लिए रोक लगा दी है। साथियों, हमारी जो नागरिक उड्डयन महानिदेशक अर्थात DGCA है, ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर जो रोक लगी गई थी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर जो रोक लगाई गई थी वह रोक 30 नवंबर को तक थी। कोविड-19 महामारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 30 नवंबर तक के लिए रोक लगा दी थी, लेकिन इसी रोक को बढ़ाकर 30 नवंबर से 31 दिसंबर 2020 तक के लिए कर दिया गया है। कब तक के लिए? 31 दिसंबर 2020 तक के लिए कर दिया गया है। लेकिन साथियों, हम बता दें, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान इसमें भारत से बाहर नहीं जाएगी, ना ही दूसरे देश से भारत में आ सकेगी। लेकिन साथियों, जो वंदे भारत मिशन के तहत उड़ानें इस समय उड़ी जा रही हैं, वंदे भारत मिशन के तहत जाने वाले कुछ खास उड़ानें जो हैं वो जारी रहेंगी। वंदे भारत के तहत जो कुछ खास उड़ानें हैं वो क्या रहेंगी? वो जारी रहेंगी साथियों। ठीक, अगली जानकारी हम लोग देखेंगे। अगली जानकारी की बात करें साथियों, तो खेल मंत्रालय ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दे दी है? खेल मंत्रालय ने हाल ही में किसे खेल मंत्रालय ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दे दी है? भारतीय तीरंदाजी संघ, भारतीय तीरंदाजी भारतीय तीरंदाज खेल मंत्रालय ने भारतीय तीरंदाजी संघ को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में महासंघ के रूप में मान्यता दे दी है। क्या की है? मान्यता दे दी है। राष्ट्रीय खेल महासंघ ने भारतीय तीरंदाजी संघ को खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दिया है। किसे? भारतीय तीरंदाजी संघ को। यह साथियों, भारतीय तीरंदाजी संघ को 25 नवंबर को कब भारतीय तीरंदाजी संघ को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता कब दिया गया? 25 नवंबर को दिया गया, 25 नवंबर 2020 को दिया गया। यह साथियों, 8 साल बाद इसे मान्यता फिर से दे दी गई है। 8 साल बाद फिर से मान्यता इसे मिली है। राष्ट्रीय खेल विकास संहिता के अनुरूप चुनाव नहीं कराने के कारण, राष्ट्रीय खेल विकास संहिता के अनुरूप चुनाव न कराने के कारण इसकी मान्यता रद्द कर दी गई थी। भारतीय तीरंदाजी संघ की मान्यता रद्द कर दी गई थी क्योंकि ये राष्ट्रीय खेल विकास संहिता के अनुरूप चुनाव नहीं करवा रहा था। AAI के चुनाव इस साल जनवरी में हुए, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पैनल में
बहुमत हासिल किया। यह स्पष्ट किया कि सरकारी दिशा निर्देशों के पालन को लेकर मंत्रालय की चिंताओं का AAI ने निवारण कर दिया है। इसके साथ ही AAI की मान्यता बहाल करने का फैसला लिया गया जो 1 साल तक वैध रहेगी। यह जो भारतीय तीरंदाजी संघ को राष्ट्रीय खेल मंत्रालय महासंघ के रूप में मान्यता दे दी गई है, यह 1 साल तक रहेगी। अभी कब तक? 1 साल तक अभी रहेगी साथियों। अगली अगर बात करें साथियों, वह कौन सा राज्य है जहां अगले 6 महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा एस्मा लागू कर दिया है। ये सब काम तो आप लोग जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ही कर सकते हैं। तो साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। प्रतिबंध लगा एस्मा, क्या एस्मा लागू कर दिया है? लागू एस्मा लागू कर दिया है क्या साथियों? एस्मा लागू कर दिया है। ठीक साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा एस्मा लागू कर दिया है। साथियों, हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार साथियों, यह कोरोना संकट काल के बीच उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी में अगले 6 महीने के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून, ये जो एस्मा एक्ट है साथियों, कौन सा एस्मा एक्ट जो है, एस्मा एक्ट, इस एक्ट का नाम है आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून। आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून एस्मा एक्ट जो होता है, यह आवश्यक सेवा अनुरक्षण, क्या नाम है, आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून इसे कहा जाता है, इसे लागू किया गया। यानी अगले 6 महीने तक प्रदेश में किसी भी तरह के हड़ताल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। प्रदेश सरकार की ओर से बुधवार को यह आदेश जारी किया गया कि आपको इस एक्ट के लागू होने के बाद आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कर्मचारी अगले 6 महीने तक किसी तरह के हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। अगर कोई भी कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त क्या किया जाएगा, कार्रवाई किया जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। अगली बात है साथियों कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को कितने साल के लिए विस्तारित किया है? कौन कौन? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को कितने साल के लिए विस्तारित किया है? कितने साल के लिए? तो साथियों, 10 साल के लिए। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने
संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को 10 साल के लिए विस्तारित कर दिया गया है। समझौता ज्ञापन को 10 साल के लिए विस्तारित कर दिया गया है। विस्तारित कर दिया। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को 10 साल के लिए विस्तारित कर दिया गया है। ठीक साथियों, साथियों यह समझौता जो है विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच सहयोग के 10वें वर्ष पर किया गया था। भारत और अमेरिका ने 7 नवंबर 2010 को नई दिल्ली में ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप के साथ सहयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। कब? यह जो समझौता ज्ञापन हुआ था साथियों, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के दोनों के बीच परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए, यह समझौता ज्ञापन 7 नवंबर 2010 को नई दिल्ली में परमाणु ऊर्जा के लिए जो किया गया था साथियों, यह 7 नवंबर 2010 को नई दिल्ली में ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप यह जो समझौता हुआ था साथियों, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए जो समझौता ज्ञापन हुआ था 7 नवंबर 2010 को नई दिल्ली में ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप के लिए, तो इसे 10 साल के लिए और भी विस्तारित कर दिया गया, अर्थात 10 साल के लिए और भी बढ़ा दिया गया इस समझौते ज्ञापन को। ठीक साथियों, कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। अब अगली बात है साथियों कि किस राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया? किस सरकार ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया? तो साथियों केरल सरकार ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को केरल सरकार ने पुलिस अधिनियम में पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया। साथियों केरल सरकार ने पुलिस अधिनियम में जो विवादास्पद संशोधन थे, कौन से? पुलिस अधिनियम में जो विवादास्पद संशोधन थे उन संशोधन को निरस्त कर दिया। केरल राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इस संबंधित अध्यादेश पर 25 नवंबर 2020 को हस्ताक्षर किया। ये जो अध्यादेश लाया गया इस पे केरल राज्य के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान जी, वो 25 नवंबर 2020 को
इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिया। पुलिस कानून में इस संशोधन को लेकर विवाद हो गया था और इसे अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और मीडिया की आज़ादी पर हमला बताया गया था। यह जो संशोधन किया गया था, इस संशोधन में यह बताया गया कि यह जो संशोधन हुआ है, इस संशोधन के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता साथ ही साथ मीडिया की आज़ादी पर भी हमला किया गया है, अर्थात मीडिया की आज़ादी को छीना गया है या बाध्यकारी किया गया है। साथ ही साथ महिलाओं और बच्चों को साइबर अपराध से बचाने के लिए यह संशोधन किया गया है। यह जो संशोधन किया गया है, यह महिलाओं और बच्चों को साइबर अपराध से बचाने के लिए यह संशोधन किया गया, जो कि विवादास्पद संशोधन साबित हुआ, जिसे कि निरस्त कर दिया गया। किसके कौन सी सरकार द्वारा? केरल सरकार द्वारा। ठीक साथियों, ये जो पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन हुआ था, इसमें जो है केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी 25 नवंबर 2020 को हस्ताक्षर कर दिया। ठीक साथियों, इस संशोधन पे क्या कर दिया? हस्ताक्षर कर दिया। तो साथियों, ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रखते हैं और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे हम लोगों ने यहाँ पे किए, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ठीक, तो फिर क्लास को यहीं पे हम लोग ओवर करते हैं। क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे कि और भी विद्यार्थियों तक आपका YouTube चैनल विद्यार्थी तक पहुँचे और उन्हें भी ऐसी क्लासों से उन्हें भी मदद मिल सके, उन्हें भी हेल्प हो सके। ठीक, और आप लोगों का अगर कोई डाउट हुआ करे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़ें और वहाँ अपने डाउट को हमसे शेयर करिए, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक साथियों, और अगर मैं आपके लिए कुछ और बेहतर कर सकता हूँ तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि मैं और भी आपके लिए क्या कर सकता हूँ। वो हर कुछ करने की कोशिश करूँगा जो मेरे से हो पड़ेगा। ठीक साथियों, तो ठीक है, फिर क्लास को ओवर करते हैं। यही नोट्स आप लोग अपने हाथ से स्वयं बनाया करिए, साथ ही साथ आपके और भी जो साथी हैं उन सभी लोगों को बताइएगा, घर परिवार में, नाते रिश्तेदार में, सगे संबंधियों में जो भी होंगे, आपके भाई बहन होंगे, चाचा चाची होंगे, और भी कोई लोग होंगे, उनसे बताइएगा कि आपके YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट को टारगेट करते हुए यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस किया गया। उसके बाद यहाँ पे उसके लिए बाल विकास की क्लास, साथ ही साथ हिंदी की क्लास, और उसके बाद सामाजिक विज्ञान से संबंधित हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साथ ही साथ पॉलिटी की भी क्लास लगाई जाएगी। हिंदी ज्योग्राफी की क्लास चल रही, सॉरी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लास चल रही है, बाल विकास हिंदी तो चली रही है। सुबह मॉर्निंग में बाल विकास की क्लास दी जाती है और दोपहर में हिंदी की क्लास, और शाम के टाइम सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई ना कोई एक क्लास इस समय आप लोगों को दी जाती है। पॉलिटी भी बहुत जल्द शुरू की जाने वाली है, तो आप लोग इसकी भी जानकारी अपने सगे संबंधियों को दिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को शेयर किया करिए, जिससे कि और भी लोग आपके विद्यार्थी तक परिवार से जुड़ सकें तो मुझे भी कुछ एनर्जी मिलेगी। क्लास की प्रतिक्रिया, आप लोग क्लास कैसी लगी, ये बात आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। ठीक, तो ठीक है साथियों, क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।